हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल पर देव बाजार शिवालिक पावर कंट्रोल आईपीओ की लिस्टिंग 1 जुलाई मंडे यानी कि कल होने वाली है। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा ये जानने से पहले हम लोग इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बिजनेस एचजीओपी एंड सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखेंगे। कितने लोगों ने इस आईपीओ में रिस्पॉन्स दिया है, कैसा इसका रिस्पॉन्स मिला है, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में कितना पर ट्रेड करे, इन सारी टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही बेहतरीन है। 2021 में ये 67.28 लाख के प्रॉफिट पर था, जो 23 में 31 दिसंबर तक 760.11 लाख पर पहुंच गया। लगभग 11-12 गुना का ग्रोथ देखने के लिए मिला। रेवेन्यू 2021 में 5238 लाख थी, जो ग्रो करके इसने 31 मार्च 2023 में 8269.39 लाख को लाया था, लेकिन 9 महीने के अंदर थोड़ा सा इसके रेवेन्यू में ड्रॉ डाउन का फेज आया और ये 6379.16 लाख पर रहा। हालांकि इसके मुकाबले अभी भी बेहतर ही है। एसेट 2021 में 4869.44 लाख था, जो अभी ग्रो करके 7814.35 लाख पर पहुंच चुकी है। नेटवर्थ में भी लगातार ग्रो है, रिजर्वेशन सरप्लस में भी बेहतर है, टोटल ग्रोइंग भी इसके साथ साथ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही जबरदस्त है। इसने प्रॉफिट जनरेट की है, साथ ही साथ रेवेन्यू भी काफी कमाल का इसने गेन किया है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। मुझे रेटिंग देना हो तो मैं इसे 10 में से 7 रेटिंग देना चाहूंगी। रिटर्न ऑफ इक्विटी 18.33% है, ROCE 19.20% है, डेट पर इक्विटी 1.09 है, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा इंपैक्ट लिस्टिंग गेन पर पहुंचा सकती है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 28.33% है, पैट मार्जिन 11.96 है, पीई प्री आईपीओ 24.69 है एंड पोस्ट आईपीओ 23.79 है। तो ये आईपीओ थोड़ा सा सस्ती वैल्यूएशन दिख रही है। बात करें इसकी बिजनेस की तो 2004 की स्थापित शिवालिक पावर कंट्रोल लिमिटेड ये इलेक्ट्रिक पैनल की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कि पीसीसी पैनल, आईएमसीसी पैनल्स, स्मार्ट पैनल्स, एमसीसी पैनल्स, डीजी सिंक्रोनाइजेशन पैनल्स, आउटडोर पैनल्स, एचटी पैनल्स ऑफ 33 केवी, VFD पैनल्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स, बस डक्ट एंड LT एंड HT APFC पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इसका जो प्रोडक्ट है सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अदर कंट्री में भी बेचा जाता है। इंडिया में तो बेचा ही जाता है और ये 15 इंडस्ट्रियल सेक्टर में बेचा जाता है और ये साथ ही साथ विदेशों में भी कारोबार करती है। इंटरनेशनल मार्केट में भी इसके प्रोडक्ट का भारी डिमांड है, जैसे नेपाल, बांग्लादेश एंड अफ्रीकन कंट्री जैसे युगांडा, केन्या, नाइजीरिया, अल्जीरिया, इन सारी कंट्रियों में इसके प्रोडक्ट का भारी डिमांड है। तो बिजनेस बहुत ही बेहतरीन करती है, यूनिक बिजनेस मॉडल है एंड इसके जो प्रोडक्ट है वो भी काफी डिमांडेबल प्रोडक्ट है। इंटरनेशनल मार्केट में भी भारी डिमांड है इसके प्रोडक्ट का। तो यूनिक बिजनेस के साथ साथ इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन है। अब हम लोग इसमें सब्सक्रिप्शन देखे तो 257.24 गुना भी सब्सक्राइब हो चुके हैं, यानी कि लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है। रिटेल कैटेगरी में भी 230.14 गुना भर, नॉन इंस्टीट्यूशनल बार की कैटेगरी में 436.37 गुना एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में भी 170.32 गुना भर है, यानी कि टोटल सब्सक्रिप्शन 257.24 गुना हुआ है। लोगों ने जमकर पैसा बरसाया है। इस आईपीओ में बेहतर सब्सक्रिप्शन हुआ है। अब हम लोग इसकी जीएमपी देखे तो जीएमपी भी बहुत ही बेहतरीन है। इसकी जीएमपी की ओपनिंग 170% प्रीमियम के साथ 170 रुपए पर हुई थी। इसकी कट ऑफ प्राइस 100 रुपए है, यानी कि जीएमपी की ओपनिंग भी बहुत अच्छा हुआ था और ये कभी बढ़ता कभी घटता हुआ। अभी ये फिलहाल 225% इसकी जीएमपी है, यानी कि 225 रुपया है, क्योंकि इसकी कट ऑफ प्राइस 100 रुपए, 225 रुपए जीएमपी है, 225% की बेनिफिट दे रही है, 325 पर ट्रेड करे। इसमें डेप्थ थोड़ा सा दिख रही है, तो डेप्थ की वजह से मे बी इसकी लिस्टिंग थोड़ा सा डिस्काउंट होकर के हो सकती है। तो इसकी जो लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए मिनिमम 100
80% के साथ है आईपीओ लिस्ट हो सकती है। इसकी जीएमपी 40-45% से ज्यादा ड्रॉ डाउन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूनिक बिजनेस मॉडल के साथ साथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन है, लोगों ने अच्छा रिस्पांस भी दिया है। तो किसी भी वजह से अगर जीएमपी ड्रॉ डाउन होती है, चाहे उसका वजह डेप्ट हो, किसी भी वजह से इसकी जीएमपी ड्रॉ डाउन होती है, तो 40-45% से ज्यादा जीएमपी ड्रॉ डाउन नहीं होनी चाहिए। मिनिमम लिस्टिंग गेन 180% होनी चाहिए, और अधिकतम की बात करें तो मोर देन यहाँ पर 2x का रिटर्न्स मिलेगा, 2x 3x का इजीली ये रिटर्न्स दे सकता है। 250-60 की 250-60% प्रीमियम के साथ ये लिस्ट हो सकती है, यानी कि अढ़ाई गुना से ज्यादा ही इसमें रिटर्न्स मिलने वाले हैं अधिकतम की बात करें तो। आई थिंक सर पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे, समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एंड अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।